रामेश्वर डूडी ने ग्रहण किया है पदभार। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के बने हैं अध्यक्ष। पंत कृषि भवन में संभाला जिम्मा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कई उनके समर्थक प्रशंसक भी इस दौरान मौजूद रहे। उनको बधाई दी जा रही है, वो भी मुंह मीठा करा रहे हैं एक दूसरे का। अभी बेहद अहम तस्वीर इस वक्त रामेश्वर डूडी ने पदभार ग्रहण कर लिया है और उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के वो अध्यक्ष बने हैं। जितने भी नवाचार हो रहे हैं, चाहे वो आईटी से हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे स्प्रिंकलर सेट हो, सोलर पैनल की बात हो, या वो जो इक्विपमेंट्स हैं जो हमें जीएसएस के माध्यम से किसान को मजबूत करना चाहते हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इनका जो अनुभव है निश्चित तौर पर राजस्थान के किसानों को मिलेगा और नए नवाचार के साथ में किसान की आमदनी कैसे बढ़े, कम लागत में किसान की पैदावार कैसे बढ़े, क्योंकि राजस्थान में पानी की भी समस्या है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पानी ठीक है, पर ज़्यादातर जिले ऐसे हैं जहाँ पानी की हमेशा समस्या बनी रहती है। तो हम फार्म पोन्ड का उपयोग करें, जलोज का उपयोग करें, ये सब बातें हम सब के सामने हैं। और मुख्यमंत्री जी ने तो खुला कहा है कि जो भी कोई सुझाव राजस्थान का किसान या आम आदमी देना चाहे वो अपना सुझाव दे सकता है बजट से पहले। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आने वाले समय में जो बजट कृषि का आएगा वो राजस्थान के लिए एक खुशहाली का बजट होगा, किसान के लिए खुशहाली का बजट। बोर्ड पहली बार चूंकि बना है और अभी मतलब उसका कार्यालय भी फिक्स नहीं है एक तरह से, तो कब तक काम शुरू करना? नहीं, बोर्ड का कार्यालय तो डूडी साहब का तो कार्यालय हो ही गया कृषि पंत भवन में, इनको जो भी पद ग्रहण करवाया है, अब काम तो आज से ही चालू है। तो डूडी जी ने कारोबार संभाल लिया, साथ ही कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का कहना है कि जल्द ही पहली बार जो बजट पेश होने वाला है 23 फरवरी को, वो देश में इतिहास रचेगा और किसानों के लिए खुशहाली लेकर आएगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। मंत्री लालचंद कटारिया को आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी उनसे बेहद खास बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम दिशा निर्देश वो देंगे अधिकारियों को भी जिससे किसानों को फायदा मिले। तो वहीं इस बार के बजट को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार का बजट खुशहाली का बजट होगा और राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है जिसको लेकर के किसानों के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या रहती है पानी की, तो उसको लेकर भी हम जब अब पदभार संभाला है तो इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। रामेश्वर डूडी के साथ अब उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है रामेश्वर डूडी ने, तो ऐसे में जिम्मेदारी उनको दी गई है, बेहद अहम जिम्मेदारी है और किसानों का मुद्दा वाकई में बेहद महत्वपूर्ण। तो देखना ये भी होगा कि उनके दिशा निर्देश में क्या हित किसानों के ध्यान में रखकर काम किया जाता है। तो राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के वो बने हैं अध्यक्ष। पंत कृषि भवन में उन्होंने जिम्मा संभाला है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी इस दौरान मौजूद रहे, किसानों के हित में काम करना रहेगा उनको। और देखिए तस्वीरें, आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। रामेश्वर डूडी को बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। लंबे अरसे से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा था और उसके बाद राजनीतिक नियुक्तियाँ की गई और उसमें नाम सामने आया रामेश्वर डूडी का, जिन्हें राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला भी यहाँ पर नजर आ रहा है, जिस तरीके से अगर दूसरी तस्वीर हम देखें, तो वहीं आपको बता दें कि राजीव अरोड़ा, महेश शर्मा सहित अन्य कांग्रेस नेता भी पहुंचे हैं कृषि भवन, उनकी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर।